हेलो फ्रेंड्स, फास्ट आज तक चैनल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नई खबर लेकर। आज की खबर है, 17 साल बाद मिस वर्ल्ड भारत से हरियाणा की मानुषी ने जीता है खिताब। दोस्तों, 17 साल बाद मिस वर्ल्ड का खिताब एक बार फिर भारतीय सुंदरी को मिला है। दिल्ली में रह रही हरियाणा की 20 साल की मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड 2017 का ताज 118 सुंदरियों को पछाड़ कर जीता है। आयोजन चीन के सनाया में शनिवार को हुआ था। जानिए मानुषी द्वारा कहे गए कुछ शब्द। जूरी ने फाइनल राउंड में जब मानुषी से पूछा था कि किस पेशे में सबसे ज्यादा वेतन मिलना चाहिए और क्यों, जवाब में मानुषी ने कहा, माँ को सबसे ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए, उन्हें कैश में वेतन नहीं इज्जत और प्यार मिलना चाहिए। मानुषी को वर्ष 2016 की मिस वर्ल्ड प्यूट्रो रिको की स्टेफनी डेल ने मिस वर्ल्ड 2017 का ताज पहनाया। 17 साल पहले 2000 में प्रियंका चोपड़ा ने यह किताब जीता था। भारत की ओर से सबसे पहले 1966 में रीता फारिया मिस वर्ल्ड बनी थी। मानुषी जो है सोनीपत से MBBS की पढ़ाई कर रही हैं। तो दोस्तों, तारीख 18 नवंबर साल 2017 और दिन शनिवार का दिन बहुत ही गौरवपूर्ण दिन रहा है हमारे लिए। इस दिन हरियाणा के सोनीपत जिले की मेडिकल स्टूडेंट मानुषी छिल्लर भारत की छठी मिस वर्ल्ड बनी। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रियंका के बाद मानुषी भारत की सबसे युवा मिस वर्ल्ड बनी है और 6 बार यह किताब जीत भारत वेनेजुएला के साथ बना है नंबर 1। मानुषी ने कहा, मैं जीवन में कोई अफसोस नहीं रखना चाहती। मिस इंडिया जो है चुने जाने से पहले एक इंटरव्यू में मानुषी ने यही कहा था कि मेरे आदर्श जो है रीता फारिया है मेरी आदर्श। हालांकि मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, पर मेरा कभी कोई प्लान भी नहीं रहा। मैं जीवन में कोई अफसोस नहीं रखना चाहती, इसलिए यह किताब जीतना चाहती हूँ। मेरा लक्ष्य हमेशा से मिस वर्ल्ड बनना है। तो दोस्तों, भारत की मानुषी छिल्लर दुनिया की 118 सुंदरियों को हराकर 67वीं मिस वर्ल्ड चुनी गई। 20 साल की मानुषी यह किताब जीतने वाली छठी भारतीय और प्रियंका चोपड़ा के बाद सबसे कम उम्र की युवती हैं। प्रियंका चोपड़ा 18 साल की उम्र में मिस वर्ल्ड बनी थी और मानुषी 20 साल की उम्र में। तो ये प्रियंका चोपड़ा के बाद दूसरी सबसे युवा मिस वर्ल्ड हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की छोटी सी जानकारी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और इसी प्रकार की अन्य खबर जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें।